जय श्री राम साथियों, नमस्कार साथियों। इस जयकराय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए लाल किताब में दिए हुए उपाय, महिला ज्योतिष, समान ज्योतिष, ये सब चीज़ें पढ़ पढ़ करके अब आपके लिए कोई नई नई बातें ढूंढ ढूंढ लेता हूँ, जिससे आप उसको जान करके अपना भला कर सकें। साथियों, मैं फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं अच्छी सी बातें आपके सम्मुख रखता हूँ, जिसको आप जान करके अपना भला कर सकें। तो साथियों, स्त्रियों के लिए एक अलग से ज्योतिष की रचना की गई है, उनके शरीर के बनावट, बाहरी जो उनका मतलब अंगों की बनावट है, बाहरी से लेकर अंदर सब बनावट के विषय में चर्चा की गई है। तो उनके जैसे नाखून है, केस हैं, मतलब चेहरे पर निशान, उनको देख करके आप उनका भविष्य पता कर सकते हैं, तो कि यह कन्या कैसी भाग्यशाली बनेगी अपने पति के लिए। जो है स्त्री जातक का यही उद्देश्य है कि शरीर के कौन कौन से जो चिन्ह हैं उनको देखने से आप उसके शुभ अशुभ का गणना कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें, जिससे आप जानकारी का लाभ उठाते रहें। तो साथियों, जैसा मैंने चर्चा किया कि स्त्री के हर अंग की बनावट के हिसाब से उसके भाग्य की विषय विवेचना की गई, इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इस जो ये आपका मस्तक होता है, तो ये मस्तक ये तीन अंगुल, स्त्री का अंगुल से तीन अंगुल चौड़ा रहे और चंद्रकार जैसे मतलब आकृति का हो और उसमें मतलब बाल न हो, रोए न हो, तो ऐसी जो कन्या होगी अत्यंत भाग्यशाली होती है। और अपने भाग्यशाली होने के साथ साथ वो जिस कुल में ब्याही जाएगी वह कुल भी भाग्यशाली हो जाता है, वो भी उसके आगमन से, उसके उस कन्या को उस घर में विवाह करने से भी, उसके पति के साथ उसका संजोग बन जाने से, दोनों के भाग्य जुड़ जाने से, और पति कुल के भी उसमें सम्मान में, धन धान में वृद्धि होने लगती है। तो ऐसी जो कन्या होगी वह उनके जो पति होंगे अगर राजनेता बनेंगे तो अच्छे जगह पहुंचेंगे, यदि प्रशासनिक अफसर हैं तो उनको भी इस कन्या के सहयोग से भी उनको उसमें लाभ होता रहेगा। अर्थात ऐसी कन्या जो होती है वह बहुत भाग्यशाली होती है, उसके साथ आप विवाह करेंगे तो आपका जीवन और सुखमय रहेगा। धन्यवाद।